नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। धूरी में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस केक काट कर मनाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर विशेष रूप से हुई शामिल। अमृतसर में प्रताप सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम की हुई शुरुआत। देश विदेश की 30 जानी मानी हस्तियों की प्रतिमाओं से सजाया गया। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की गहरी अनाज मंडी जंडियावाला गुरु में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत। किसान मजदूरों का करवाया मुंह मीठा। और अब हलचल विस्तार से। धूरी में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की ओर से केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर मलेरकोटला के विधायक जमील उर रहमान विशेष तौर पर हाजिर हुए। इस मौके पर डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बाबा साहिब के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात पात खत्म करने और सबको बराबर हक देने की बात कही थी। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें और पंजाब में लोगों का भला कर सकें। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सारे देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती दी लख लख बधाइयां। बाबा भीमराव अंबेडकर जी बहुत अगे वधू सोचते मनुख सीगे। उन्होंने 70-75 साल पहला जो संविधान की जी रचना की, अज जी असी खुली हवा च सह लै रहे हैं। जी जात पात तो हट के जेडे उन्होंने एक सोच सोची, सारे नूं एक दर्जा दिता, बहुत वधिया सोच है जी। तो अज भी असी उन्होंने सोचा का उन्होंने निक मान रहे हैं। अज पंजाब सरकार है वह भी उन्होंने सोच पर चल रही है, जी जात पात तो रहत तो सारे एक बराबर का हक, सारे एक एक बराबर की एजुकेशन मिलना। सरकारी स्कूल ला लो चाहे प्राइवेट स्कूल ला लो, सारे जगह से वधिया एजुकेशन मिल रही है। लंदन के मैडम तुसौद म्यूजियम की तर्ज पर गुरु रामदास जी की पवित्र नगरी अमृतसर में प्रताप सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम की शुरुआत हुई, जिसे देश विदेश की 30 जानी मानी हस्तियों की प्रतिमाओं से सजाया गया है। म्यूजियम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, विधायक जीवन ज्योत कौर ने ज्योति प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर वैक्स म्यूजियम के डायरेक्टर प्रताप विश्नोई ने बताया कि उदयपुर और जयपुर वैक्स म्यूजियम की अपार सफलता के बाद पंजाब का पहला म्यूजियम अमृतसर में खोला गया है, जिसमें देश विदेश की जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी, कला, खेल, राजनीतिक, मनोरंजन और वैज्ञानिक जगत की शख्सियतों के साथ पंजाब के गौरवशाली व समृद्ध इतिहास के महापुरुषों को जगह दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रताप बिश्नोई है। हम पिछले 8 से 10 साल से वैक्स म्यूजियम संचालित कर रहे हैं। हम वैक्स म्यूजियम में मोम के स्टेचू लगे हुए हैं, जो लंदन में मैडम तुसाद के म्यूजियम है वैसा वैसा म्यूजियम बना हुआ है। इसके साथ में हॉलीवुड, बॉलीवुड और खिलाड़ियों सभी के सेलिब्रिटियों के स्टेचू लगे हुए हैं। लोग पर्यटक अपने यहाँ आकर उनके साथ में फोटो ले सकते हैं। इसके साथ में अलग एक्टिविटी भी दी हुई है। एक 90 सिनेमा है जो इफेक्ट्स मूवी दिखाते हैं बच्चों को मनोरंजन के लिए। एक मिरर मेज है जिसमें पूरा भूल भुलैया बनाया हुआ है, जिसमें लोग आके अपना एंजॉय करते हैं मनोरंजन बच्चों के लिए। ऐसी 4 एक्टिविटी बनाई गई है। क्या क्या रेट रखा है? वैक्स म्यूजियम का 150 रुपीज रखा गया है और इनफिनिटी इसका मिरर मेज का 100 रुपीज है, 90 सिनेमा का 200 है और यदि कोई लोग कॉम्बो में देखना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट रेट है 300 में सभी एक्टिविटी दिखाते हैं। पर्यटकों के लिए एक नया आयाम स्थापित किया गया है यहाँ पर। इसके साथ में लोग जो आएंगे अमृतसर में देखने के लिए, जैसे गोल्डन टेम्पल है, वाघा बॉर्डर है, तो उसके साथ में एक नया चीज ये देखने को है, मनोरंजन के लिए है, हिस्ट्री भी है इनकी देखने के लिए। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गहरी अनाज मंडी जंडियाला गुरु में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाई और उन्होंने किसान मजदूरों का मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी किसान को मंडियों में फसल बेचने के लिए कोई मुश्किल नहीं आने देगी और किसानों की फसल की अदायगी पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार नियमित तौर पर साथ साथ की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मौसम की खराबी के कारण गेहूं के हो रहे नुकसान पर रकम में जो कट लगाया गया है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वह पैसा भी अपने पास से किसानों को देने का फैसला किया है। इसके अलावा गेहूं की खराब हुई फसल की रकम भी किसानों को देनी शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि मंडियों में गेहूं की सुचारू खरीद के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। वहीं किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मंडियों में किसानों को बिल्कुल भी भटकने नहीं दिया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। विसाखी के शुभ दिहाड़े के उत्ते सारिया बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी जंडियाला गुरु मंडी के जी कणक की खरीद जी शुरू हो चुकी है। पिछले दिन ही कुछ बेमौसमी से भारी वर्षा के कारण काफ़ी थावां ते फसलां खराब भी होईयां सीगियां और ये इतिहास के पहली बार होया कि साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जड़े जो मुआवजा सीगा वो अबोहर दे विच पहली बारी मतलब मात्र कुछ कु दिनां दे विच ही जड़ा वो दे दिता। एंड फसलां अजे कई थावां ते पैलियां दे विच ही सीगियां, खेतां दे विच ही सीगियां, पर मुआवजा जड़ा आ मान साहब ने शुरुआत कर दी। गिरदावरियां जारी ने और ये जड़ा सिलसिला आ मुआवजा देन दा ये आने वाले समय दे विच भी जड़ा आ चलता रहेगा। बाकी एक बहुत वड्डा फैसला पंजाब सरकार ने लिया सीगा कि जो कट भी लगने ने जिस तरह 6% तक 6 to 8% तक 5 rupees 31 paise सीगा एंड 6 to 8% तक 10 rupees 62 paise सीगा एंड 31 rupees 31 paise हाँ एंड वो भी जी मान साहब ने कहा है कि जो भी कट लगने ने वो सारे पंजाब सरकार जी पे करूगी। सो अज असी इतने सीगियाँ और मुआवजा जड़ा आ मान साहब ने शुरुआत कर दी। गिरदावरियां जारी ने और ये जड़ा सिलसिला आ मुआवजा देन दा ये आने वाले समय दे विच भी जड़ा आ चलता रहेगा। जब भी जलियांवाला बाग का जिक्र आता है उस खुली हत्याकांड की तस्वीरें सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं शहीद उधम सिंह का नाम भी सामने आता है। इस शूरवीर का नाम पंजाब में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। संगरूर के रहने वाले राजीव जिंदल बताते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर की ओर से गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस सब को सुनाम के ही रहने वाले एक लड़के ने अपनी आंखों से देखा था जिनका नाम शहीद उधम सिंह है। उन्होंने इस पूरे हत्याकांड का बदला 21 साल बाद लंदन जाकर लिया था। इस दौरान सभी ने शहीद उधम सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह पंजाब के सब तो पुराने शहर सुनाम का जमपल है जिथे पंजाब के लोगों की बोली मिठी संघनी तनखिली है। शहीद उधम सिंह भी अखीला सीगा जब उसने देखा कि जलियांवाले बाग के जनरल डायर ने नहत्थे पंजाबियों के उपर गोलियां चला के उन्होंने मार दिता। उस तो यह जरा साका सी जलियांवाले बाग का देखा नहीं सी गया। कहिंदे ने उस दिन ही उसने ठान लीती सी कि मैं इस जलियांवाले बाग के साके का बदला जरूर लवांगा। वह महान सपूत जिसने जलियांवाले बाग के साके का बदला गोरियां की उस धरती ते जाके लिता जिथों अडवायर वापस इंग्लैंड चला गया सीगा जिहड़ा कि उस समय जलियांवाले बाग के साके के समय पंजाब का गवर्नर जनरल सी माइकलॉडी ऑफ अडवायर। उस नूं मार के उसने जलियांवाले बाग के साके का बदला लिता। पंजाब की धरती ते जदों जदों भी हमलावर आया पंजाब के लोगों ने अपनी 1 inch धरती दे लई अपना खून बहाता ते अनखिले लोग ने जिन्हां ने मानू मैया दे घोड़ियां दे मूँह मोड़ दिते चाहे सिकंदर ते पौरस दी लड़ाई हुई ते उस दे विच जाना वार दित्तियां। नाभा में ट्रक यूनियन की ओर से धार्मिक समागम का आयोजन किया गया जिसमें नाभा क्षेत्र से विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनकी ओर से देशवासियों और पंजाब वासियों को वैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी पर शब्दी हमले भी किए जो चरणजीत चन्नी की ओर से कहा गया कि छुट्टी वाले दिन विजिलेंस कार्यालय में उनसे पूछताछ की गई और उनकी जान को खतरा है। इस पर देवमान ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई छुट्टी वाले दिन किसी का कत्ल करता है तो कानून में कहां लिखा है कि कातिल को पकड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने जो लाखों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी बनाई है उसके लिए विजिलेंस द्वारा कानून के दायरे में रहकर ही जांच के लिए उन्हें बुलाया गया है। अगर चन्नी बेकसूर है तो वह जांच में साफ निकल जाएंगे।
नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ट्रक यूनियन नाभा दे विच सहज पाठ दे भोग पाए गए जी विसाखी के मौके तो और शुकराना किया गया क्योंकि नवे प्रधान अमनदीप सिंह रहल हैप्पी रहल जी प्रधान बने ने ट्रक यूनियन के तो समूह ट्रक ऑपरेटर भरावान का संगत के रूप के आ के सब के दर्शन किए सब का आशीर्वाद लिया जी। तो मेरे वालों विसाखी दहुत बहुत मुबारक जी भीम राव अंबेडकर साहब का जन्मदिन भी है जी वो भी बहुत बहुत मुबारक और ट्रक ऑपरेटर मुबारक कि नवे प्रधान एक साल लिए आ गए हैं और बहुत ईमानदार बड़े सूझवान क्योंकि लंबे समय तो ट्रक ऑपरेटर ने। अमृतसर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती चौक फवारा में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा की कमलजीत कौर और सुरेंद्र बिंद्रा सहित मुख्य कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारतीय नारी और समूह गरीब समाज को समानता का अधिकार दिलाकर जीने की कला सिखाई है, हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज का दिन बाबा जी का जो उन्होंने देश के वास्ते संविधान लिखन लई 2 साल 12 महीने 12 दिन लगाए वो उस वेले लिखन ते लगे है जिहड़ी इस प्लानिंग नूं बनाउण ते जो संघर्ष उस वेले उन्होंने किए जो अड़चना भी बड़िया आईया बड़े बड़े देशों च गए और बावजूद उत्तों सारा वो निचोड़ कढ़ के जिहड़ियां जिहड़ियां खूबियां सी उन्होंने उस संविधान के विच लिखियां और वह संविधान की बदौलत अज देश विश्व गुरु बनन जा रहा और उहदे विच जो लिखे हुआ और अनुसार ही साडे देश का जिहड़ा लोकतंत्र है वह वर्ल्ड का सब तो मजबूत लोकतंत्र बनया है। भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस के मौके पर नाभा में बाबा साहिब की प्रतिमा पर फूलों का हार डालकर इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान और जिला योजना बोर्ड पटियाला के चेयरमैन जस्सी सोहियावाला ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है हम उन सब पर ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी समाज के अलावा हर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। 132वां जन्म दिहाड़ा है जी। भीमराव अंबेडकर साहब कौन ने जी? भीमराव अंबेडकर साहब वो इंसान वो फरिश्ता जिन्होंने हिंदुस्तान जदों आजाद होया तां उन्होंने हिंदुस्तान का भारत देश का संविधान लिखा वो संविधान जिहदे तहत पूरा हिंदुस्तान साडा कानून साडियां स्टेटां साडियां सेंट्रल गवर्नमेंट साडियां स्टेट गवर्नमेंट साडियां जिहड़ियां ने अलग अलग अदारे जिहड़े आ कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर कोई चंगा करता तो उन्होंने भी फैसला कानून दिता, अगर कोई माड़ा करता उन्होंने भी फैसला कानून दिता। वो बनाया किन्ने जी? भीमराव अंबेडकर साहब ने। अज उन्हों का जन्म दिहाड़ा जिन्हों का बहुत व्डा एक रुतबा बहुत वही लियाकत और बहुत व्डा एक उन्होंने अपनी सारी उम्र की जी है लियाकत निचोड़ के उन्होंने सानू एक संविधान दिता जिसके तहत अज पूरा देश साडा चलता और कला जो आप कही भी एस सी समाज वास्ते एस सी समाज लिए नहीं जी ये सारे वर्गों लिए है चाहे कोई जरनल है चाहे कोई ओ बी सी है चाहे एस सी है चाहे एस सी एस टी है जिन्हें भी समाज के साडे अंग ने हर समाज के अंग नूं भीमराव अंबेडकर साहब का जिहड़ा संविधान आ वो मार्गदर्शन करता है। स्मार्ट अशोक की जयंती सैनिक कुशवाहा समाज सभा की ओर से अजीत सैनिक कल्चरल केंद्र गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल में पैटर्न सुरेंद्र सैनी और पंजाब प्रधान महंत राजकिशोर कुशवाहा की प्रधागनि में मनाई गई। इस अवसर पर अलग अलग वक्ताओं ने स्मार्ट अशोक के शासनकाल संबंधी विस्तार पूर्वक बताया। इस समागम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना भी की गई। इस मौके पर शैलेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा राम नारायण कुरुशवाहा सुरेश कुमार रामदयाल रामसेवक और गेस्ट ऑफ ऑनर सुरेंद्र सैनी को सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। सम्राट अशोक जी की जयंती अजीत सैनी कल्चर थिएटर गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल नियर दिल्ली अजीत के साथ मनाई गई। इसमें कुशवाहा और सैनी बरादरी के पंजाब के सभी दौदेदार राम नारायण जी और उनके बाबा कुशवाहा बरादरी से बाबा जी और सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बच्चों को सारा बताया है कि कैसे उनका राज्य जो था आज से पूर्वी ईस्वी 2076 से शुरू होकर 2036 तक इनका राज्य रहा है अशोक का
और ये राज्य अखंड भारत का राज्य है कि कन्याकुमारी से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान सभी इलाकों में अशोक जी का राज्य रहा है। और अशोक जी ने जैसे सारा साम्राज्य दिया है, इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को भी लागू किया। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती डॉक्टर बीआर अंबेडकर चौक जालंधर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप की ओर से बाबा साहिब को श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। इस दौरान जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील रिंकू, विधायक बलकार सिंह, आप नेता राजविंदर कौर के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अज जिहड़ा भारत नूं अज जे दुनिया का सब नूं वड्डा लोकतंत्र कहा जाता तो उहदे विच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जिहड़ा निर्मित जिहड़ा संविधान है उहदा बड़ा वड्डा जिहड़ा रोल है, क्योंकि हर एक पहलू नूं संविधान दे विच इनकलूड किया गया। दबे कुचले वर्गों महिलावां हर वर्ग में जिहड़ा इहदे विच बराबर अधिकार दिते गए आ, तां मैं समझदा कि इसे संविधान करके ही अज जिहड़ा भारत है दुनिया दे विच तरक्की कर रहा है। जलंधर का की सिनेरियो वेख रहे हो इस वक्त, क्योंकि आम लोगों में भी जा रहे हो, तमाम लोगों की नब्ज टटोल रहे हो, किस तरीके का हालात लग रहे हैं? देखो गल है कि जिहड़े आम आदमी पार्टी ने एक साल दे विच कम किए हैं, मैं लगता कि उन्होंने जिहड़े फल दे रूप दे विच आम आदमी पार्टी वध वोट पैणगे। मान सम्मान तुहाड़ा अपना करैक्टर है जिदे करके तुहानूं हर जगह मान सम्मान मिलता, सो इहो जी कोई गल नहीं है, उधर भी मान सम्मान सी, इधर भी मान सम्मान पूरा। जालंधर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहिंदर भगत अपने बेटे सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मोहिंदर भगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद पार्टी में शामिल करवाया और उनका पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शीतल अंगुराल भी मौजूद रहे। जालंधर की मकसूदा सब्जी मंडी में बालाजी की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक सरगम एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस चौकी की शुरुआत की, जिसके पश्चात प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री एवं जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज हरपाल चीमा, आप नेता राजविंदर कौर, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आए हुए गणमान्य लोगों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राजू मदान, राजू मखीजा, महेश मखीजा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जालंधर में विराजियो, मैं धरू तिहारो ध्यान। आइए पंजाब की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमान से आज्ञा लें, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि जो हवा इस समय जलंधर में बह रही है वही हवा मेहंदीपुर में बह रही है, वही सालासर में बह रही है और वही खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बनाए वो हवा में उड़ती उड़ती दरबार में चली जाए। उठाए जरा मेरा हाथ और ताली बजाकर बुला ले, आबो जी आबो, आबो जी आबो। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा भजन गायन का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे को रमन अरोड़ा जी, हमारे शशि रिंकू जी ने आज के इस कार्यक्रम पर बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा आके। जैसे कन्हैया जी ने बात की है बस चलाने की, बिल्कुल जितनी भी बसें आप बोलेंगे पंजाब सरकार की तरफ से सभी बसें चलाई जाएगी। जब मैं पहली बार पंजाब का खजाना मंत्री बनने से पहले, मैं आपको बताता हूं, मैं खाटू श्याम जी गया था, सालासर गया था,
क्योंकि हमारे संगरूर से तो बहुत लोग जाते हैं। भाई कन्हैया जी को पता है कि पूरा हमारा संगरूर डिस्ट्रिक्ट, मेरा इलाका दड़बा, सब लोग जाते हैं। हम गए थे वहां से आशीर्वाद लेके आए, तो पंजाब सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के खजाने की चाबियां मुझे सौंप दी। सो मैं तो सारी उम्र ऐसी उम्र धन्यवाद करता हूं, और आप सबको मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कन्हैया मित्तल जी ने यो आज हजूम जहां नजर आ रहा है, सालासर महाराज का, खाटू श्याम जी का, वो होशियारपुर में भी यही पूरी रात तक लोगों ने, तकरीबन मैं बाहर से आया था उस दिन दिल्ली से, 2:30 बजे तक रात को ऐसे ही गुणगान हुआ और संगत ने लाभ उठाया। और जो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं सीएम साहब के बाद, अगर सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, मैं बहुत उन्होंने जो आभारी हूँ कि उन्होंने संगत को जो कहा है कि जितनी बसें कहेंगे वो चलाएंगे, अगर मैं मेरी मेरी बात को ऑथेंटिक कर दिया उन्होंने होशियारपुर वाली को भी, सो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आज आपके बीच में सुशील रिंकू जी जो है वो मौजूद हैं, सो सब सालासर महाराज की उनकी कृपा है। सो जो आप, जो उनका निर्णय होता है परमात्मा का वही माना जाता है, तो सब पे कृपा बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। निश्चिंत रहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी पंजाब के लिए कभी भी, और आगे भी, क्योंकि आज एफएम साहब ने ये बात कही है कि मेरे को खजाने की चाबी दी गई है, तो पंजाब वासियों के लिए, खास तौर पे आने वाले टाइम के लिए, जलंधर वासियों के लिए, रमन अरोड़ा जी बैठे हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो प्रॉमिस है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का है, सीएम की साहब की तरफ से है। सालासर बालाजी महाराज दे चरणा दे विच जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जी, अज बहुत ही खुशियां भरिया दिन है। साढ़े बहुत ही प्यारे वीर, आदरणीय है, तो मेरे तो छोटे पर है, सबके आदरणीय, कन्हैया जी, कन्हैया मित्तल जी, जिनको सारी दुनिया, जितने भी भगत हैं साला जी, सालासर महाराज के, सभी उनको प्यार करते हैं। तो मैं भी इस परिवार का सदस्य होने के नाते सभी प्रबंधक साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये आयोजन, और खास करके क्योंकि हमारे सरकार के दो दो मंत्री साहबान आज यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार की जो हाजिरी है आज जनता के चरणों में लग रही है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है बसें चलाने का, फाइनेंस मंत्री साहब तुहाडे को बड़ियां जिम्मेवारियां, तुसी चंडीगढ़ चले जाना, पर मैं इस गल का विश्वास है हजे तक जिन्नी भी तुसी अनाउंसमेंट कीतियां पूरियां कीतियां, और जलंधर दे मेरे भैन और भरा इत्थे बैठे है, उन्हां दे चरणां दे विच मैं रहना इत्थे, और मैं इस गल की जिम्मेवारी लोगों ने मेरे तो पुछनी है। सो मैनू इस गल का विश्वास है कि जिहड़ा वादा करके चले हो वो सारा पूरा होएगा। बोलो सालासर महाराज की। श्री राधा वृंदेश जी के पाठोत्सव पर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा समिति संस्थान जालंधर के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ 8वें पाठोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा पूज्य महाराज और पूजनीय गुरु माता जी के परम सानिध्य में निकाली गई। इसी के साथ 3 दिवसीय उत्सव में संध्या के समय पूज्य महाराज द्वारा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र पर संक्षिप्त में बताया गया।
उत्सव के तृतीय दिन पूज्य श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का आविर्भाव दिवस बहुत ही सुंदर रूप से मनाया गया। तदुपरांत पूज्य महाराज जी ने दीक्षा भी दी। संध्या के समय पूज्य महाराज ने कथा को श्री राधा रमन देव जी के प्राकट्य उत्सव एवं श्री हरि नाम के साथ विश्राम दिया। 3 दिवसीय उत्सव के उपरांत अटूट भंडारे की भी व्यवस्था की गई। मंदिर के कार्यकारिणी सदस्यों ने आए हुए सभी भक्तों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रधान महेश गुप्ता, किरण अग्रवाल, उप प्रधान बॉबी खन्ना, महासचिव हरीश महेंद्रू, कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, दिनेश पुरी, रेणुका महेंद्रू, स्मृति शर्मा द्वारा कथा हेतु किए गए अथक परिश्रम हेतु बधाई दी गई। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। कि भैया आप महीना दो महीना में तो मर ही जाएंगे, पर हमको एक रिसर्च करनी है, उससे हो सकता है कि तुम्हारे प्राण अभी चले जाए। 2 महीने बाद भी तो मर नहीं है, पर अगर तुमने रिसर्च में सहयोग किया तो समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। ठीक है भाई, मर नहीं है तो तुम कर लो। तो उसे दिखाया, उसको बिठाया सामने, और सामने दिखाया कि एक सांप ने एक घोड़े को डंक मारा, और उसमें देखा कि घोड़ा कैसे तड़फा और कैसे उसके मुंह से झाग निकले, कैसे उसकी आंखें पथरा गई और थोड़ी देर में वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। बोले हमें ये देखना है कि जब ये सर्प इंसान को काटता है तब उसके उसको कितना समय लगता है, कितनी देरी होती है, उसके हिसाब से हम इसकी दवाई बनाना चाहते हैं। उस दवाई का नाम वही रखेंगे जो तुम्हारा है। तो राजी हो गए। बोले बस एक बात है भैया, मुश्किल होगी तो हमारा एक शर्त है कि हम तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधेंगे और तुम्हें बिठाएंगे हाथ पर, अगर डर जाए आदमी तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की लीला रूप गुण और लीला के संदर्भ में महाराज जी बताते हैं कि सदा सत्संग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भगवान की कथा और सत्संग सब निरंतर सुनना चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। सर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज द्वारा हमारे मंदिर चौदह बाईपास श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में 3 दिवसीय श्री गोपाल भट्ट महाराज की कथा का वर्णन किया जा रहा है। आज 3रा दिन है और निरंतर धारा प्रवाह कथा का आयोजन किया गया है जो कि महाराज जी ने मुखारविंद से की जा रही है। मैं अपनी ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से और आए हुए सभी इलाका निवासियों की ओर से, क्योंकि जो इलाका निवासी है वही मंदिर की शोभा है और उनके आने से ही मंदिर की रौनक बढ़ती है। दूर दराज से और भी सभी लोग आए हैं, काफ़ी संगत आई हुई है। श्री राधा रमण जयती, श्री मनमाधव गणेश्वर वैश्वाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी द्वारा 3 दिवसीय कथा का यह आयोजन हुआ राधा वृंदावन जी के प्रांगण में। पहले शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, उसके बाद 3 दिवसीय साय 4 से 8 बजे तक कथा प्रवचन शुभाशीष, सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। और आज सुबह राधा बिंदे जी का 8वां पाठोत्सव था जो महाराज श्री और गुरु माता जी ने अभिषेक किया और सारे हमारे गुरु भाई बहनों ने सबने उसमें अभिषेक में भाग लिया। ये हम सबों का बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं जिसमें हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बड़े महाराज श्री भूति कृष्ण गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि भी है, सब लोगों ने आज उनको नमन किया और बहुत ही आनंदित होकर भजनों के साथ झूमे भक्त लोग। मैं आए हुए सभी भक्तों का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ जिन्होंने 3 दिवसीय में बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर भाग लिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। धूरी में बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस केक काट कर मनाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर विशेष रूप से हुई शामिल। अमृतसर में प्रताप सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम की हुई शुरुआत। देश विदेश की 30 जानी मानी हस्तियों की प्रतिमाओं से सजाया गया।
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की गहरी अनाज मंडी जंडियावाला गुरु में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत, किसान मजदूरों का करवाया मुख मीठा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।